जालौन से जीवन यादव पत्रकार की खास रिपोर्ट। पुलिस चेकिंग के दौरान अपराधियों से हुई मुठभेड़। एसओजी सर्विलांस टीम जालौन एवं थाना कोतवाली उरई पुलिस द्वारा अपराधियों को किया गिरफ्तार। उरी जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हीरा राजा के निर्देशन में एसओजी प्रभारी योगेश पाठक, प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार राठौर की टीम द्वारा पुलिस चेकिंग के दौरान अपराधियों से हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल दो अपराधी अपने तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किए गए एवं होंडा सिटी कार व अवैध शस्त्र आदि बरामद किए गए। उक्त संबंध में पुलिस उपाधीक्षक नगर गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने पत्रकारों को बताया। सर, फैक्ट्री एरिया क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, कितने बदमाशों को पैर में गोली लगी और टोटल कितने बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आज 29/3/2023 को सुबह 6:15 बजे करीब मुठभेड़ हुई है। उरई पुलिस और एसओजी टीम को लीड मिली कि कुछ बदमाश जो है वो डकैती के उद्देश्य से आए हुए हैं, तो इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की फैक्ट्री एरिया के पास। घेराबंदी करने के बाद जब उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में की, उसमें दो बदमाश घायल हुए हैं। घायल बदमाश का नाम आरिफ अब्दुल शेख और मोहम्मद गौस है। बाकी तीन बदमाश जो मौके पकड़े गए उसमें अनीस शेख है, आरिफ आसिफ शेख है और तीसरा अरसलान और छोटू है। ये कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं और अभी हाल पता इनका बाराबंकी है, यहाँ रहते हैं और ये दीगर जनपदों में जा करके और अन्य राज्यों में जा करके अपराध करते हैं। हमारे यहाँ भी नवंबर और जनवरी माह में बड़ी चोरियाँ हुई थी, एक शांतिनगर में, एक लहरियापुरवा में। उस चोरी में इनकी संलिप्तता थी और उनकी तलाश चल रही थी और ये उसमें काफ़ी माल उनका बरामद हुआ है। 1,77,000 करीब कैश बरामद हुआ है। एक होंडा सिटी गाड़ी बरामद हुई है। तीन कंची मेड असलहे बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इनमें कुछ सगे भाई भी हैं जो इन अपराधों को अंजाम देते हैं? जी हाँ, इसमें तीन सगे भाई हैं जो साथी में अपराध करते हैं और भी इनके बारे में जानकारी की, उनके आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है।